तो दोस्तों नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल डीएम मस्ते में स्वागत है। तो मैं इनकोमा परसान डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो यहाँ पर प्लास्टिक बैन होने के बाद यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया गया, तो चलते हैं अभी क्या यूज हो रहा है प्लास्टिक दुकान लोग के पास, तो चलते हैं। तो प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो यहाँ पर मार्केट में चेकिंग के दौरान जिस दुकान में भी गैर कानूनी प्लास्टिक है उसको ये कचरे में डाला गया। और देखिए सर, ये इतना धूप होने के बावजूद भी इतना मेहनत करके भी ये अपना काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान। और दोस्तों आप लोग घर से निकलते समय अपना बैग लेकर ही चले, मार्केट में प्लास्टिक का भरोसा ना करें और प्लास्टिक कम से कम यूज करें। थैंक यू और सर का भी धन्यवाद। मार्केट में आया था आज, प्लास्टिक का चेकिंग चल रहा था दुकानों में, तो क्या प्लास्टिक यूज है और कौन सा बैग आप यूज कर सकते हैं। देखिए एक कपड़े का थैली है, भाई ने लिया है, इसको आप अलाउ है। और कितना का प्लास्टिक अलाउ है? 75 एम्पीयर है ना, 75 का प्लास्टिक आप यूज कर सकते हैं। और ये थैली जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये इसको ओरिजिनल यूज करना है, डुप्लीकेट नहीं। पूरा मार्केट में आज इंकोंग में पूरा ही इसको दुकान से ये किया गया। काफ़ी धूप है आज, तो पूरा प्लास्टिक बैंड हो गया है। यहाँ पर दुकानी लोग प्लास्टिक यूज नहीं कर रहा है और 75 प्लास्टिक यूज हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल का इंकोंग में है हम लोग, तो प्रशासन ने प्लास्टिक को पूरा बैंड कर दिया है यहाँ पर। थैंक यू। सब्जी मार्केट है, देखिए लोग भाई लोग 75 माइक्रो का ही प्लास्टिक यूज है। बाकी प्लास्टिक तो यूज करने देता नहीं आजकल, सरकार ने बैन कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान सब लोग साथ देना है। मैं अभी इंकोंग मार्केट में आया हूँ, तो प्लास्टिक बैन होने के बाद ये कौन सा प्लास्टिक जो सब्जी दुकान में यूज अभी कर रहे हैं लोग, तो माइक्रो 75 का ये प्लास्टिक है, यही यूज कर सकते हैं जो ये रिसाइकलिंग है। आप बोलिए। हाँ, प्लास्टिक यूज कर हम लोग ये माइक्रो 75 को यूज कर सकते हैं दोस्तों, और अदर प्लास्टिक जो रिसाइकलिंग नहीं है उसको यूज नहीं कर सकते। ये सब्जी मार्केट में ज़्यादा यूज होता है, ये इंकोंग का मार्केट सब्जी है, सब्जी मार्केट है, जिसमें मैं एक दुकान वाले से पूछने आया था। चलते हैं। जो कपड़े जैसा प्लास्टिक आप यूज कर सकते हैं।